ट्वेल्थ में फिजिक्स में दिक्कत आएगी, क्योंकि फिजिक्स स्टार्ट फिजिक्स से होता है बट बाद में वापस मैथ्स पे टर्न हो जाता है और पूरा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वो सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। ठीक है, सो इट्स बेटर कि हम लोग मैथ्स को लेके चले, अगर आपका अगर थॉट रहेगा मैथ्स ड्रॉप करने का तो वो नहीं करना। बायो डेफिनेटली आप ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो। इसमें से कितने लोग बायो में इंटरेस्ट रखते हैं और कितने नहीं रखते, रखने वाले कितने हैं? बहुत कम, 4 जन बायो में इंटरेस्ट, बाकी सब नॉन बायो वाले। या सोचा नहीं है ऐसा अब तक? कुछ फिक्स नहीं है, ओके ठीक है चलेगा। सो फिजिक्स में अब आते हैं, मेन जो साइंस का फर्स्ट सब्जेक्ट होता है ना वो होता है मैथमेटिक्स, जिसको हम बोलते हैं मदर ऑफ साइंस। एंड अगर हम डैड के ऊपर जाएंगे फादर ऑफ साइंस तो डेफिनेटली वो फिजिक्स है। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री एंड बायो उसमें से इवॉल्व होते हैं ऐसा हम बोलते हैं। तो क्योंकि देखा जाए तो कैसे हम बोल सकते हैं कि फिजिक्स बेस है। आपको एटम्स के बारे में कुछ आइडिया है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिया ऐसा कुछ है ना। सो एटम में देखो आपको स्टार्टिंग से जितने भी एटम दिखेंगे आपने सुना रहेगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एटम्स। इसकी बेसिक डिटेल स्टडी जो है ना वो फिजिक्स में होती है, फिर उसमें से उठा के हम लेते हैं केमिस्ट्री में फॉर रिएक्शंस करने के लिए, एंड फाइनली हम लोग बायो की तरफ जाएंगे तो उसमें हम लोग बायोलॉजिकल पार्ट पे चले जाते हैं जहां पर लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके ऊपर चले जाते हैं। सो मैं मेरी फिजिक्स की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट थोड़ा सा सीरियसली लेके पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे आते आते वो सब्जेक्ट आपको लगेगा कि उसमें जब आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना तो वो चीज़ समझेगी नहीं। हालांकि ऐसा हर सब्जेक्ट के लिए है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के लिए इंटरेस्ट नहीं रहा तो बिल्कुल नहीं समझता, बट फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और थोड़ा टफ है। तो बेटर है कि आप अपने व्यूज को इस तरीके से मोल्ड करो जिससे आप उस सब्जेक्ट को समझने लायक बन जाओ, ठीक है? क्योंकि आने वाले 2 साल तक आपको फिजिक्स पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है समझना है, और सिर्फ समझना नहीं है यूज करना है जहां जहां आपको थिंग्स लगे, ठीक है? चलो शुरुआत करते हैं। सो आपने कुछ लॉस के बारे में सुना है, एक आध दो लॉ स्कूल सेक्शन में अगर कवर हुए होंगे तो, एनी आइडिया कोई लॉज आपको पता हो, सिर्फ नाम पता हो तो? कौन सा? वेरी गुड यार, ये तो सबसे महान इंसान है, न्यूटन के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ है ना, सबने सुने है ना। ओके, और कोई लॉज? डाल्टन्स लॉ, यस। कैपलर्स लॉ, हाँ गुड, ये भी आएगा कैपलर्स लॉ। और ओम्स लॉ, हाँ ये मैं सुनना चाहता था क्योंकि उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए ओम्स को, ठीक है। ये सारे जो आपने लॉज के नाम लिए ना, न्यूटन्स के लॉ, कैपलर्स के लॉ, डाल्टन्स लॉ, या फिर यहाँ पर ओम्स लॉ, इसमें से सभी के सभी फिजिक्स में है और कुछ केमिस्ट्री में भी है, ठीक है। जैसे डाल्टन्स लॉ आपको केमिस्ट्री में फिर से दिखेगा, मे भी शायद सिखाएंगे आपको फिर से तभी। तो ये सारे लॉज होते हैं। अब मैं बात करता हूं प्रिंसिपल, ये वर्ड सुना है आपने प्रिंसिपल, लॉज जैसा ही होता है बट उसको प्रिंसिपल नाम दिया जाता है। सुना है किसी ने कोई ऐसा वर्ड जो जिसके पीछे प्रिंसिपल लगता हो? मैं एक आध नाम लूंगा तो आप हाँ बोलोगे, इसलिए मैं चाहता हूं पहले आप बताओ, आपको पता है तो, नहीं पता है तो मैं बताता हूं। आइडिया है, कुछ सुना हुआ ऐसा है किसी सेंटेंस क्या टॉपिक के पीछे प्रिंसिपल लगा हुआ ऐसा कुछ? कौन सा बेटा? बायो में कौन सा? अच्छा ओके, वैसा, हाँ वैसे प्रिंसिपल, बट मैं बात कर रहा था इसका एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ऐसा कुछ सुना है आप लोगों ने? एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ऐसा कुछ सुना है? लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, नहीं? चलो ठीक है, मैं प्रिंसिपल वर्ड इसीलिए यूज कर रहा था। चलो मैं आपको बता देता हूं, आपने ये वर्ड सुना है एनर्जी, नाइदर बी, इट कैन बी, कैसे फटाफट बक लेते हो, और उसका टॉपिक का नाम क्या है पता है? एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम सो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स द सेम, ठीक है। एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको सिर्फ वन पार्ट ऑफ द सिस्टम से दूसरे पार्ट ऑफ द सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते, सो दैट टोटल एनर्जी जो यूनिवर्स की है वो कॉन्स्टेंट रहती है। इस कॉन्स्टेंट वर्ड का दूसरा नाम फिजिक्स में या साइंटिफिक लैंग्वेज में कंजर्वेशन बोलते हैं। कॉन्स्टेंट मतलब कंजर्वेशन, तो जहां पर भी वर्ड कंजर्वेशन आएगा आप समझना उसका मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट, रिमेन्स द सेम, ठीक है।
ये वर्ड्स जो सेंटेंस हमने बताए ये सारे, इसको हम लोग टाइटल करेंगे, तो उसको टाइटल करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ओके, तो मैं डिस्टिंग्विश करके देता हूं प्रिंसिपल और लॉज। जैसे ओम्स लॉ, पता है ना आपको ओम्स लॉ, एज लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, है ना। फिर न्यूटन्स के लॉ, कैपलर्स के लॉ, ये सारे आपने लॉज सुने हैं। तो जो लॉज होते हैं उसके भी स्टेटमेंट होते हैं, एंड जो प्रिंसिपल है उसके भी स्टेटमेंट है। बट इन दोनों में क्या मेजर फर्क है, मैं पहले दिन पे आपको बता देता हूं। लॉज जो होते हैं वो किसी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में वर्क करने के लिए बनाए गए होते हैं, वो एरिया छोड़कर आगे जाएंगे तो वो वर्क नहीं करेंगे। जैसे न्यूटन्स के लॉ ओनली ऑन अर्थ सरफेस पे काम करते हैं, बाकी किसी प्लैनेट पे काम नहीं करेंगे। ओम्स लॉ, उसमें भी ऐसा बताया गया कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट बढ़ेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड में, क्योंकि वहां पर लिखा गया है कि करंट जो वायर में सप्लाई करते हो वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो आगे चलकर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी है ना। बट एक लिमिट के बाद जब आप पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ा लेते हो तो करंट नहीं बढ़ता, करंट की जगह पे उसका जो ऑपोजिट है रेजिस्टेंस वो इंक्रीज होता है। तो एक लिमिट के बाद ओम्स लॉ भी वर्क करना बंद कर देता है, समझे ना। तो वो जो लिमिट है बेटा ले लेना मान, वो जो लिमिट है ना ओम्स लॉ की, वो एक पर्टिकुलर रेंज तक काम करेगी, उसके बाद ओम्स लॉ काम नहीं करता। तो जैसे मैंने बताया कि लॉज होते हैं ना वो एक रीजन में काम करते, एक लिमिट में काम करते हैं। ओके, तो उसको हम ओम्स लॉ कहेंगे। बट जहां प्रिंसिपल की बात आती है तो प्रिंसिपल को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो यूनिवर्स के किसी भी कोने में आप उसे यूज कर सकते हो, किसी भी गैलेक्सी के ऊपर आपको वो एज इट इज जैसा स्टेटमेंट है वैसा दिया रहता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल यूनिवर्सल ट्रूथ है एंड लॉज किसी रीजन में बनाए गए कंडीशन है, समझे आप। तो आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए प्रिंसिपल पे, उसके स्टेटमेंट को जैसा है वैसे ही बायट करने की कोशिश करनी चाहिए। सेकेंडरी लॉज भी जनरली स्टेटेड ट्रूथ है पर वो रीजन वाइज है, किसी एक एरिया में काम करने वाले, इसलिए उसको भी कोशिश करना कि उसको एज इट इज आप बाय हार्ट करो, ठीक है। रहा सवाल डेफिनेशन का एंड व्हाट इज क्वेश्चन का, तो डेफिनेशन आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। आपको डेफिनेशन पढ़ने के बाद लगता है कि नहीं ऐसा मेरे को पढ़ के समझ में नहीं आएगा, मैं मेरे ओन वर्ड्स में लिखूं क्या, हाँ इट्स ओके चलेगा, लिख सकते हो। एंड व्हाट इज क्वेश्चन आया तो आपका एकदम सिंपल हो गया क्वेश्चन, व्हाट इज मतलब आपको क्या पता है इस चीज के बारे में, ऐसा पूछा जा रहा है। तो व्हाट इज क्वेश्चन आया मतलब आप उस वर्ड के रिलेटेड जो भी आपको ठीक लगे आप लिख सकते हो। इज इट क्लियर, है ना, इतना समझ में आ रहा है। ओके चलो अब आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में ना कुछ क्वांटिटीज होती है, क्वांटिटीज मतलब चीजें जिसको काउंट कर सके उसको क्वांटिटीज बोलते हैं। तो वो क्वांटिटीज दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, एक कैटेगरी है, हाँ नहीं नहीं वो बाद में आएगा, एक कैटेगरी है फिजिकल क्वांटिटीज और एक कैटेगरी है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। क्वांटिटीज बोले तो जिसको काउंट कर सकते वो चीजें, और नेक्स्ट उसमें कैटेगरी है फिजिकल क्वांटिटीज और उसमें दूसरी कैटेगरी है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या, जो फिजिकली प्रेजेंट है बट उसको मेजर किया जा सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट चाहिए किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। अगर मैं इस बच्चे को बोलूं कि मुझे इस बेंच का लेंथ मेजर करके दे तो वो इस तरीके से शुरुआत करेगी, है ना। तो उसका ये हाथ का लेंथ अगर मान लो कि रहेगा 15 सेंटीमीटर तो डेफिनेटली वो ऐसे पांच बार करेगी तो लेंथ कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, है ना। मतलब एनी हाउ वो लेंथ मेजर तो कर पा रही है क्योंकि अगर ये लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो, समझे। तो जो चीजें मेजरेबल है वो सारे आएंगे फिजिकल क्वांटिटीज में, जिसको मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है वो सारे क्वांटिटीज फिजिकल होते हैं। एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो होते हैं जिसको मेजर किया नहीं जा सकता, जिसकी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है बट वो एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर इतना तक, ओके। तो चलो मुझे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज बताओ जिसको मेजर कर सकते हैं, एक एक करके नाम बोलना आप सब एक एक करके, हाँ सोच लो थोड़ा सा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बतानी है जो मेजर कर सकते हैं। शुरुआत कौन करेगा, सबको एक एक बताना है जो आपको ठीक लगे वो, स्कूल में जितना पढ़ा है उतना।
हीट, गुड। एक आ गया, लिख लेते हैं हम लोग, आप मत लिखना, मैं लिख लेता हूं। क्वांटिटीज जो है उसको हम लोग फिजिकल एंड नॉन फिजिकल में डिस्टिंग्विश करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में हमने फर्स्ट देखा हीट, डेफिनेटली ये मेजरेबल है। नेक्स्ट, सबका एक एक हाँ, टेम्परेचर मेजरेबल है, गुड। सेकेंड, थर्ड, मास, ओके, इसका हो गया, वापस मत बताना। नेक्स्ट, वेट, स्पेलिंग गलत हो सकता है, देख लेना, तुम लोग इंग्लिश मीडियम से हो इसलिए। हाँ, हाइट, गुड, स्पीड, अरे वाह, मुझे लगा बॉयज खत्म होने के बाद गर्ल्स शुरू करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, वेलोसिटी, सब एक एक, हाँ सब एक एक, हाँ, और किसका बचा है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। नेक्स्ट, आई थिंक सब बॉयज का हो गया है ना, हाँ चलो, सॉरी, फोर्स, नेक्स्ट, सॉरी, डिस्टेंस, आपने इससे पहले कौन सा बोला था, डिस्टेंस ही बोला था, अच्छा डिस्टेंस, टेंथ, नेक्स्ट इलेवेंथ, करंट, ओके, ट्वेल्थ, प्रेशर, करंट किसका था, अच्छा ओके, प्रेशर, थर्टीन, एक्सेलरेशन, ओके, एंड फोर्टीन, छुपा के रखा है लास्ट के लिए, पावर, कितने बच्चे, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह हो गए, चलो ठीक है, सारे फिजिकल क्वांटिटीज। चलो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बको, ऐसे जो क्वांटिटी है बट मेजर नहीं कर सकते, ये सब मेजरेबल क्वांटिटीज आपने बताया, ऐसे क्वांटिटीज एटलीस्ट मुझे पांच चाहिए। एनर्जी, चलो लिख लेते हैं, ओके, सेकंड, पांच चाहिए, आपको लगता है मेजर नहीं कर सकते वैसे, सॉरी, एयर ना, हाँ एयर, ठीक है, मैंने एक बार ऐसे पूछा था, एक व्हीकल का नाम बताओ, तो किसी एक बच्चे ने बताया कार, मैं बोला गुड व्हीकल है, फिर मैंने बोला दूसरा कुछ बताओ, तो दूसरा वाला बोला कि ब्लैक कलर की कार, मैं बोला नहीं वो हो गया, कार हो गया, कुछ और बताइए, तो बोला टेम्पो, बोला ठीक है चलेगा, टेम्पो लिख सकते हैं, मैं बोला अभी चार व्हीलर हो गए, तीन व्हीलर पे आते तो रिक्शा, दो व्हीलर पे आएंगे तो स्कूटर, ठीक है, एक व्हीलर की कोई है ऐसी व्हीकल, आपने देखी है ऐसी कोई सिंगल टायर वाली व्हीकल, है सच, साइकिल होती है ना, हाँ तो बोलो ना, ऐसे सिंगल टायर वाली साइकिल होती है ना, है ना, ठीक है, कुछ चीजें बोल सकते हो, गलत तो गलत, यहां कोई ऐसा फांसी का फंदा तो है ही नहीं, दिख नहीं रहा है जिसपे सीधा चढ़ाएंगे और, हाँ बोलो ना, ऐसे बको ना थोड़ा सा, गैस, चलो ठीक है, हाँ ग्रेविटी, ओके, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पीछे से कुछ आ रहा था, मुझे लग ही रहा था, आपस में ही चल रहा था साउंड, इसलिए मैं बोला इधर तक आया नहीं है, और कुछ, मैंने पांच बोले थे, ज्यादा हो गए, चलो दस कर लेते हैं, अभी आपने शुरुआत की है तो खत्म ही करते हैं, और कुछ याद आ रहा है जिसको लगता है आप मेजर नहीं कर सकते, यूनिवर्स, बाबा पूरा दुनिया खोल के रख दिया, अरे इससे आगे तो कुछ बचा ही नहीं है, हाँ वर्क, ओके, मुझे लगा तू वर्ल्ड बोल रही है, मैंने कहा नहीं नहीं आ गया, एक ही जैसी चीजें नहीं बतानी है, ठीक है चलो दो और बचे हैं, तीन तीन छः, हाँ
कितना डिफिकल्ट होता है ना, जो है वो बता सकते बट जो नहीं है वो बताना है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं और हम आंसर नहीं कर पाते। जैसे एक एक क्वेश्चन मैं आप सबके लिए कॉमन क्वेश्चन पूछता हूं बट आपको आंसर देने का। क्वेश्चन ये है कि आपकी कोई एक विश बताओ, एक विश जो आप चाहते हो कि भविष्य में पूरी हो, समझे ना, कोई एक थॉट, एक विश या एक कुछ चीजें हैं आपको चाहिए और वो आप ऐसे डिमांड कर रहे हो और हो सकता है वो आने वाले भविष्य में पूरी हो जाए या आप खुद पूरी कर लोगे, तो ऐसी कोई विश सोच रहे हो, उस विश के ऊपर किसी हीरोइन का नाम मत मांगना बस। अगर उसकी शादी हो गई तो बहुत मुश्किल है वहां से तुड़वा के आपके पास दिलाना, तो इट्स बेटर कि कोई ऐसा हेल्दी विश मांगो जो आपको चाहिए और बाद में आप भविष्य में कमा लोगे, पा लोगे, या आपको कोई दे देगा, मिल जाएगी ऐसा सच। ठीक है, शुरुआत करते हैं लेडीज फर्स्ट। ठीक है, तो ये अच्छा रहता है कि हम उनको मौका दे रहे हैं, लेडीज फर्स्ट। हाँ, कोई ऐसी विश बेटा? अच्छा जॉब, घर, एक ही अच्छा जॉब, गुड। अच्छा अच्छा क्या होता है बेटा ये? अच्छा का कोई डेफिनेशन मार्केट में है ही नहीं। तेरे को जो अच्छा लग रहा है मेरे को बुरा लग रहा है, मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा ना तेरे को अच्छे जॉब के लिए, तो अगर मैं तेरे को एज अ एम्प्लॉय रख रहा हूँ तो बड़ा कर, गुड। गुजरात में एक बंगलो, ओके गुड गुड। क्यों, मुंबई में ज्यादा कॉस्टली है गुजरात से, इसलिए गुजरात में चाहिए ना, ओके। हाँ नेक्स्ट, क्या है उनका ड्रीम, पूछा है आपने? तेरी शादी करवाना चाहते हैं ऐसा कुछ? हाँ हाँ, तो उनके ड्रीम पूरे करना, ठीक है, अच्छी बात है, गुड। आगे ऐसा कुछ भी, कोई भी ड्रीम नहीं है बेटा, रात को सपने आते नहीं आते ना, कि आंख खोल के जाके सोती रहती है, कुछ तो सपने आते होंगे ना कि सुबह उठ के मैं पूरी करूंगी, ऐसे कुछ भी नहीं। हाँ तो ऐसा बोल जो तुझे नहीं पूरा करना है, ऐसा कोई ड्रीम बोल जो तू नहीं चाहते कि पूरा हो, बस सोच ले चल। हाँ नेक्स्ट, खुद का घर, हाँ गुड। सक्सेसफुल होना, तेरा नाम क्या बेटा? समृद्धि, आगे सक्सेसफुल लगा लेना, हो गई ना पूरी। सक्सेसफुल का डेफिनेशन ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा, सबके लिए पीस ऑफ माइंड रहा तो भी सक्सेसफुल कहा जा सकता है, गुड, सक्सेसफुल होना। हाँ बॉयज, कुछ अभी भलता सा निकलेगा देखो, अच्छी वगैरह आउट ऑफ द वर्ल्ड निकलेगा। हाँ, सुपर कार का कलेक्शन, गुड। खुद का बिजनेस सेटअप करना, हाँ अभी आपका हुआ ड्रीम पूरा, हाँ वर्ल्ड ट्रिप, हाँ आ गया ना, देखा रात को घूम के आती है स्कॉटलैंड बिटलैंड, बताती नहीं, अकेले अकेले जाती है। हाँ बेटा, कार लेना है, सारी ये लेके बैठा है। अच्छा वो सुपर कार ले रहा है, तुझे महंगी कार चाहिए, लग्जरियस कार, ओके ठीक है, रॉल्स रॉयल्स, हाँ अच्छा। नेक्स्ट आपका कार हो गया बेटा, दूसरा आगे बढ़ते हैं। शिट, कार एक्चुअली ले लोगे 2-5 करोड़ में, 10 करोड़ में, 25 करोड़ में, 100 करोड़ में, बट बाद में क्या होता है लेने का तो उसका प्राइस ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी चीजें बाय करो जो आगे भविष्य में उसकी वैल्यू बढ़े ना कि कम हो, जैसे ये लोग ने घर खरीद के रखा है ना, तो आगे जाके गोल्ड, हाँ ये सही बात है, गोल्ड खरीदना है ना, वो KGF में सोना लेके जा रहा है बोट, वो मेरे घर पे खाली हो तो कितना मजा ना। हाँ पीछे वही तो, क्या क्या सपना, रोलेक्स वॉच, हाँ अच्छी चीज है, वॉच का कलेक्शन। नेक्स्ट, शूज का कलेक्शन, सब ऐसे मैं बोला था ना कुछ भी अतरंगे निकलेगा, कुछ फाइनल, लिव विथ पीस, ओ गुड, पर ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है बेटा, है ना, हाँ इसीलिए। आपने सबने अपनी एक एक विश बताई, चलो मैं आपको एक और टास्क देता हूं, थोड़ा सा ऐसे भलता होगा। अगर एक पेपर पे आपको कम से कम आपकी 10 विश लिखनी हो जो आप भविष्य में पूरा करना चाहते हो, जिसको मैं नहीं पढ़ने वाला, मैं सिर्फ नंबर देखने वाला हूं 10 है कि नहीं,
मैं एक भी नहीं पढ़ूंगा, आप चाहिए तो यहां 10 लिखी है उस पेज को फोल्ड करना, बट मुझे नंबर दिखने चाहिए जितने आपने लिखे उतने। 10 विश लिखनी है, आप लिख पाओगे खुद की 10 विश? 10 विश ओनली पॉसिबल है? आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो मुझे आपकी विश है, और आप आप नहीं चाहोगे तो मुझे नंबर दिखना चाहिए, बट फेक नंबर नहीं होना चाहिए। एक ही विश दो बार लिखी, दो नंबर डाले, ऐसे कुछ। अरे चलो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इधर आ इधर आ इधर इधर आओ, पहले थोड़ा टॉपिक कर लेते फिर विश पे आते हैं, ठीक है? पर आपको लिखनी जरूर है, 10 विशेस लिखनी है, ठीक है? मैं बात कर रहा था फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी है जिसको मेजर कर सकते, जिसके आपने लिस्ट बना दी है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिसको मेजर नहीं कर सकते बट वो एग्जिस्ट करती है। तो पहले हम मान लेते कि इसमें सही कौन सा गलत कौन सा, तो मैं ग्रीन से सही उस पर टिक करूंगा और रेड जिससे गलत पे टिक करूंगा। ऐसे मैंने पहले रेड कलर छोड़ दिया, ठीक है? सो चेक करते हैं क्या पॉसिबिलिटी है जिसको मेजर कर सकते या नहीं कर सकते। हीट मेजरेबल है, यस। टेम्परेचर यस, मास यस, वेट हाँ, हाइट डेफिनेटली, स्पीड वेलोसिटी यस, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट मेजरेबल, ओके? किसका था मुझे पता नहीं। फोर्स यस इट इज मेजरेबल, डिस्टेंस इट इज मेजरेबल, करंट इट इज मेजरेबल, प्रेशर हाँ, एक्सेलरेशन एंड पावर, ऑल दीज थिंग्स आर मेजरेबल। बेटा इलेक्ट्रिसिटी इज वॉट? इलेक्ट्रिसिटी इज आइदर करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, पूरा नाम ऐसा है करंट इलेक्ट्रिसिटी या तो इलेक्ट्रिक करंट। आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बोलोगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं आता है ना, ये एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी ऑफकोर्स इट इज मेजरेबल, क्योंकि जब आप पावर मेजर कर सकते हो, फोर्स मेजर कर सकते हो, तो ये तो मेजर कर ही सकते हो। एयर, आप फ्रिज के ऊपर लिखे हुए बॉक्स में देख लो, लिखा होता है 265 लीटर, सुना ऐसा कुछ? एसी या एसी ने अपने फ्रिज के ऊपर एक अमाउंट लिखा होता है कि ये कितने लीटर का है, 240 से लेकर 300 तक का होता है, तो वो एयर मेजरमेंट कैपेसिटी है जिसके अंदर एयर भर के मेजर कर सकते हैं, और इवन एयर को मेजर किया जा सकता है। लाइट, लाइट मतलब ट्यूबलाइट की बात कर रहे थे, सन से आने वाली लाइट की बात कर रहे थे, वही लाइट थी ना बेटा ये, तो लाइट एक्चुअली प्रॉपर वर्ड ही नहीं है, तो मेजरमेंट इज डिफरेंट। लाइट प्रॉपर वर्ड नहीं है, लाइट में क्या होती है, लाइट की इंटेंसिटी होगी जिसको हम बोलते हैं ब्राइटनेस। आप अपने फोन में ब्राइटनेस बढ़ाते हो कम करते हो ना, तो वो लाइट की इंटेंसिटी है। और अगर आप दूसरे सेंस में बोलो तो लाइट में से जो निकल रहा है ना, वो उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनोसिटी, ल्यूमिनोसिटी हाँ, और उसका यूनिट ल्यूमेन होता है। तो लाइट करके ऐसा सच कोई वर्ड नहीं है, हाँ वर्ड है आप ट्यूबलाइट बोलो या फिर डे और नाइट में लाइट बोल सकते हो। गैस, गैस मतलब कौन सा, एलपीजी की बात कर रहे थे ना, कोई भी गैस ना, हाँ गैस मेजरेबल है बेटा, तो ये यहां पर नहीं आएगा, गैस में चाहे कोई भी गैस ले लो। रहा सवाल ग्रेविटी, ग्रेविटी ऐसा सच कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ग्रेविटी कॉन्सेप्ट है जो आपको पता है अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो ये कॉन्सेप्ट है, यानी ये वर्ड एज सच ही गलत है। साउंड, अगेन आप तो ये चैप्टर का नाम ही ले रहे हो, साउंड, साउंड भी मेजरेबल है, चलो उसको मान के चलते साउंड मेजरेबल है, वर्ड गलत नहीं है बट साउंड मेजरेबल है। साउंड को मेजर करते हैं डेसिबल में, ये वर्ड सुना है आप लोगों ने, डेसिबल में मेजर करते हैं ना, है ना। यूनिवर्स, आज की तारीख में इसको भी मेजर करके रखा है, ठीक है? आपको यूनिवर्स मल्टीवर्स सुना है आप लोगों ने, है ना, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ऐसा कुछ वर्ड सुना है, गुड। रहा सवाल वर्क, मेजर कर सकते हैं, एक भी सही नहीं निकला रे नॉन फिजिकल में। चलो तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जो प्रेजेंट है बट उसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे बेटा आपने क्या बोला था लास्ट में, आपका विश क्या था, बराबर है ना स्पेलिंग, इसका गलत है, सही है ना, गलत है, सही है ना। पीस क्या है, एक इमोशन से फीलिंग है जो प्रेजेंट है बट यू कैन नॉट मेजर ना, बराबर ना,
सो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी बट नॉट मेजरेबल, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अभी सब एक एक करके आएंगे, है ना? अभी कौन से आ सकते हैं? गुड, स्पेलिंग बताना। स्पेलिंग बताना बराबर। बड़े बड़े वर्ड पे मत जाओ, छोटे वर्ड पे आओ। हाँ हाँ हाँ, ये सही है, ये सही है। अरे देखा, आ गए ना छोटे वर्ड पे, क्या ना NESS ना। हाँ आगे, और THRO THOUGH T, गुड, सेवेंथ। चलो 10 कंप्लीट कर लेते, और खुशी मतलब हैप्पीनेस हो गया, और इल्यूजन, ये आजकल के बच्चे हैं। इधर बोलना है, उसके काम में क्या बोल इधर। हाँ कमर, मेरा कमर दुख रहा है, जल्दी दो खत्म करो ना यार, क्या है? हाँ पेन, फेथ, हाश। तो ये सारे वो क्वांटिटीज है, आपने जो आज की लेटेस्ट तारीख में चल रहा ना क्वांटिटीज वो पता ही नहीं, जो नॉन फिजिकल है। आज की तारीख में बहुत चर्चित है, प्रचलित है, फेमस है, हर एक केस में कहीं ना कहीं आपको दिखेगी, एंजाइटी, डिप्रेशन। पर मैं चाहता था एक और वर्ड जो फेमस है सबके अंदर, स्ट्रेस। स्ट्रेस सब में है, सब में है स्ट्रेस? नहीं, सब में नहीं होता ना। कुछ लोग तो टेंशन लेते ही नहीं, बिल्कुल नहीं लेते, देते हैं, उसके लिए पैदा हुए रहते। क्या? हेट, उसका ऑपोजिट, गुड ना। इसको कैसे भूल गए रे, बचपन का प्यार है ना। तो तो ये जो है, लव, पीस, स्ट्रेंथ, सोरो, हेट्रेड, फियर, हैप्पीनेस, थॉट, इल्यूजन, इमेजिनेशन, पेन, फेथ, दीज आर ऑल फिजिकल क्वांटिटी विच आर नॉट मेजरेबल। बराबर ना? अगर कोई मुझे बोलता है कि मैं आपसे प्यार करता हूं या प्यार करती हूं, इट्स गुड, पर मैं पूछ नहीं सकता बेटा कितना करते हो, है ना? कोई नंबर में नहीं बोल सकते, हाँ फाइव में से रैंकिंग दे, चल फाइव में से रैंकिंग दे, 3.2 है, हाँ तो 3.4 वाला खड़ा है मेरे साथ, रेडी है वो, सॉरी खड़ी है, सॉरी जेंडर चेंज हो जाएगा, खड़ी है वो, ठीक है। हाँ तो वो ऐसे बोल नहीं सकते ना रैंकिंग में, बराबर। तो उसी तरीके से ये कोई फिजिकल क्वालिटीज है जिसको रैंकिंग में नहीं डाल सकते कि हाँ इतना होगा, मेरे को डर लग रहा है, क्या डरने का इसमें, है ना? फिर वो छोटे से कॉकरोच से खुद भी डरता है, पर वो बोलते हैं क्या डरने का उसमें, पर डर है तो कितना अमाउंट बोल नहीं सकते, समझे कुछ? तो ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटीज जो मेजरेबल नहीं है। आज की तारीख में ये भी मेजर कर सकते हैं, उसके अलग अलग ऐप आए हैं, है ना? मतलब दुनिया तो कुछ भी कर सकती है, पर वो सब चीजें फेक है, वो रियल नहीं है। बट ये सब चीज भी मेजर करने का एक साइंस है। ये सब मेजर करने का एक अलग से साइंस है, साइकोलॉजी। और हम लोग देखो, कुछ ऐसी चीजें होती है जो पर्सन अननोन चीजों से डरता है, कोई ऐसा उसका ये होता है कि उसको ड्रीम में कुछ दिखता है, ऐसे लगता है उसको बार बार कि कोई है वहां पर पर्सन, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई ठीक, कोई नहीं है तो टेंशन ना ले, बट हम जानते हैं कि वो नॉर्मल हो के एबनॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है, तो हम उसको फिर लेकर जाते हैं अपने वाले डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोलता है दो दवाई दो ठीक हो जाएगा, बट वो उससे भी ठीक नहीं हुआ, तो हम लेके जाते साइकाइट्रिस्ट के पास, है ना? तो ये साइंस एक अलग है, एक अलग लेवल पे साइंस की स्टडी होती है, इसके लिए उसको नॉर्मल साइंस में इंक्लूड नहीं करते, समझा आपको? तो ये भी एक है कोई क्वांटिटीज जो मेजर नहीं कर सकते, पर इसके भी रैंकिंग होते हैं, वो अलग नंबर्स में होते हैं। गुड, नाउ ये सारे क्वांटिटीज फिजिकल है, वो सारे क्वांटिटीज नॉन फिजिकल है। आपने ये जो बोला वो भूल जाना, ठीक है? क्योंकि उसमें से मेजोरिटी इसमें आ जाएगा, फिजिकल क्वांटिटीज, मेजरेबल क्वांटिटीज। क्लियर है? चलो शुरुआत करते हैं। तो हम बात करते हैं, टॉपिक का नाम लिखो क्वांटिटीज, उसमें आप सीधा कैटेगरी करो, क्योंकि आपको क्वांटिटीज के बारे में कोई नहीं पूछेगा, आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में लोग पूछेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन आप लिख लेना, टॉपिक का नाम है क्वांटिटीज, उसमें फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज में आप लिखना, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड
द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय सम इंस्ट्रूमेंट, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय सम इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट इसमें से 10 लिख लो. हो गए. कोई भी 10 लिख लो एंड स्टॉप करना. डन. हाँ देखो टोटल कितने फिजिकल क्वांटिटीज है जो 12th फिनिश होने पर, जैसे उसने नीट जेडबली का नाम लिया, एडवांस तक का नाम लिया, तो अगर आप नीट जेडबली तक जाते हो, पहुंचते हो, तो आपके टोटल कितने फिजिकल क्वांटिटीज आप स्टडी करोगे पता है? ऐसे आपने 10 और 12 तो या 14 तो इधर ही देख लिए, बट ओवरऑल टोटल फिजिकल क्वांटिटीज 300 प्लस है. तो अप टू 12th फिनिश होने तक आपको 300 के 300 सुनने मिलेंगे. सबको याद नहीं रखना है, याद गिन चुन के आपको रखना है 60 से 80, 60 to 80 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए जो रेगुलर टर्म्स में चलेंगे. नाम लेते लेते आपको लगेगा हाँ ये रेगुलर रूटीन में, जैसे आप महेश, सुरेश, दिनेश, रमेश बोलते रहते हो, वैसे ही ये नाम आपको रूटीन में यूज करना है फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, तो टोटल 60 to 80 आपको डेली बेसिस पे पता होने चाहिए, बट ओवरऑल टोटल 300 प्लस है. अच्छा, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज ये आपको कहीं स्टडी करने नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्यों उसको नॉन फिजिकल बोलते हैं, क्योंकि इट इज नॉट मेजरेबल बाय एनी इंस्ट्रूमेंट. समझे? तो अभी आप इसके बारे में लिख लो, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, दिस क्वांटिटीज आर नॉट मेजरेबल दिस क्वांटिटीज आर नॉट मेजरेबल बाय एनी इंस्ट्रूमेंट as such. These quantities are not measurable by any instrument as such are called as non-physical quantities. Example, at least 10 लिख लेना इसमें से, या आपको जो ठीक लगे वो. Done. Next.
अभी क्वांटिटीज और दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, जैसे अपने यहां पर देखा क्वांटिटीज दो कैटेगरी में डिवाइड हो रही है, एक फिजिकल एक नॉन फिजिकल, सबको आइडिया मिल गया ना। ओके, क्वांटिटीज और दो कैटेगरी में डिवाइड होती है और वो दोनों नाम आपने सुने हैं स्कूल सेक्शन में, मैं एक लिखूंगा दूसरा मुझे बताना। पता है इसके बारे में, स्केलर मतलब, स्केलर का मतलब क्या है फिर उसमें एग्जांपल देखेंगे। किसमें? नहीं, वेक्टर में। द क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब ओनली थ्रू मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज अ स्केलर। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से आप उसको शो या डिस्क्राइब कर सकते हो, दैट इज स्केलर। एंड फॉर वेक्टर इट रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, है ना। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये पूरा क्लासरूम अगर खाली है, एक भी बेंच नहीं होता, और कोई तो बेंच लाके दरवाजे के अंदर रख दिया और आप अंदर रूम में है और आपको बोला क्या बेंच लगा देना, तो आपका पहला क्वेश्चन होगा किधर लगाना है। किधर मतलब आप डायरेक्शन पूछ रहे हो ना, कि बेंच अगर दरवाजे पे वहां पर पड़ी है तो उसको किधर लगाना है, कौन से साइड लेके जाना है, तो मे बी उस हिसाब से आप उसको पुश या पुल करोगे, राइट। तो वो डायरेक्शन सबसे पहले आएगा, उसके बाद अगर वो बेंच हैवी है तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको खींचने के लिए, तो वो जो फोर्स लगाने वाला अमाउंट है वो तो बाद में आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है डायरेक्शन, राइट ना। तो डायरेक्शन साथ में मैग्नीट्यूड दोनों जिसको चाहिए वो वेक्टर क्वांटिटी, और जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जाता है वो होता है स्केलर, ठीक है। आप मुझे स्केलर में पांच नाम बताओ, क्योंकि ज्यादा बताने में डिफिकल्टी होगी, वेक्टर्स में पांच नाम बताओ, कोई भी रैंडम, ठीक है। हम लिख लेते हैं स्केलर में पांच नाम, डिस्टेंस, ओके, सेकेंड इज मास, ओके, थर्ड इज क्या बेटा, वेट ना, वेट, हाँ वेट बेटा इधर जाएगा, वेट, ठीक है। यहां पर कहां किसमें आएगा फोर्स, फोर्स इधर, स्पीड कहां पर, एक्सेलरेशन वेक्टर में, सही है, गुड। प्रेशर इट इज स्केलर, नेक्स्ट स्पीड कहां पर, वेक्टर में, स्केलर में आएगी, नेक्स्ट वेलोसिटी इज वेक्टर, गुड। नेक्स्ट वन, लास्ट बचे हैं किधर बेटा, स्केलर में, गुड। और इधर डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा डिफिकल्ट हुआ पांच नाम ढूंढने में, दस होते तो शायद इजी होता ना, मुंह बंद करके बैठे रहना, ठीक है। चलो क्वांटिटीज के बारे में फिर से लिख लेते हैं, स्केलर नेक्स्ट टॉपिक उसी के अंदर, हाँ थर्ड वाला स्केलर। द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल पांच लिख लो, वेक्टर पे आ जाओ। द फिजिकल क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी
विच कैन बी डिस्क्राइब बाय द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब बाय दिस डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी एग्जाम्पल पांच है लिख लो जनरली फिजिकल क्वांटिटीज तो चार कैटेगरी में डिवाइड हो गई क्वांटिटीज चार कैटेगरी में डिवाइड हुई फिजिकल नॉन फिजिकल स्केलर्स एंड वेक्टर्स आई होप आपको चारों समझ में आए होंगे अब हम लेते एक नेक्स्ट टॉपिक पे जहां पर फिजिकल क्वांटिटीज को हम मैग्नीट्यूड और यूनिट में लिखते हैं लिखने का पैटर्न जो है वो मैग्नीट्यूड और यूनिट में होता है जैसे आप एक फिजिकल क्वांटिटी ले लो मैं यहाँ पर नाम लेता हूँ फर्स्ट टेम्परेचर जो आपने कहीं पे भी शायद इन्वॉल्व नहीं किया है उधर भी और इधर भी टेम्परेचर राइट तो मैग्नीट्यूड क्या होता है जनरली मैथमेटिक्स में जो नंबर्स होते हैं ना फिजिक्स में उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं मैथमेटिक्स के जो नंबर है फिजिक्स में मैग्नीट्यूड बोलते हैं अभी आपके यहां पर टेम्परेचर कितना है कैसे समझेगा उधर देख के है ना कितना लिखा है वहां पर 16 तो हम मैग्नीट्यूड 16 लिखेंगे और उसको डिनोट किससे करेंगे यूनिट्स सेल्सियस It is not just Celsius, it is degree Celsius, है ना? इसके through हम उसको completely define करते हैं। तो सिर्फ number enough नहीं है, unit साथ में होना चाहिए। Number कोई चीज़ को represent करने का तरीका सबसे गलत है। जैसे कल उठ के मैंने कोई numerical सीखा है, जिसमें आपको ढूँढना है force, ठीक है? Basic things है, force ढूँढना है। उसकी something value आई 250। आप मुझे बोलोगे सर आ गया force 250, मैं बोलूँगा गलत है। पता है क्यों? क्योंकि आपने उसके यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं किया है और बिना यूनिट के वो उसकी वैल्यू का कोई मतलब नहीं बनता क्या है बेटा इसका यूनिट न्यूटन ठीक है चलो थर्ड पे आते हैं अगर मैं आपको किसी पर्सन की हाइट मेजर करने बोलूं तो डेफिनेटली आप हाइट को मेजर करते हो और वो हाइट एवरेज पर्सन की 170 होती है एवरेज किसी पर्सन की हाइट 170 वहां पर मैं क्या लिखूंगा 170 सेंटीमीटर ठीक है तो डेफिनेटली हर चीज को यूनिट के साथ ही रिप्रेजेंट करना चाहिए ये समझा आपको तो कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करने के एंड में यूनिट आना चाहिए ये सबको समझा अब मैंने तीन फिजिकल क्वांटिटीज लिखे हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कंप्लीट करने हैं चलो मुझे आप फिजिकल क्वांटिटीज बताओ ले लेते हैं पावर आगे चलते हैं नीचे और कोई वेट गुड प्रेशर कितना बेटा छोड़ दे दूसरा मास नेक्स्ट स्पीड ओके नेक्स्ट करंट एक्सेलरेशन चलो एक एक्सेलरेशन सुनने में आया था एक्सेलरेशन हाँ काम करो ना इधर ही जो लिखा है ना उसको ही चिपकाओ मत कब से वही हो रहा है इधर का उधर गया और उधर का इधर आ रहा है ये 15 क्वांटिटी के आगे किसी को पता ही नहीं कुछ नई क्वांटिटीज होती है वही चिपका रहे पावर वेट प्रेशर हीट ये वो नया कुछ बताओ नया हाँ
मत ना बेटा, मत मत ना, प्लीज 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 प्लीज, कोई और बता। हाँ हाँ, ऐसा कुछ लिख कर आओ ना, नया चीज है जो सुनी हुई हो। ये क्या बार बार हीट टेम्परेचर मास वेट स्पीड स्पीड वो चिपका रहे हो। हो गए चलो 10, यहां 10 खत्म की, नेक्स्ट वाले 10 वैसे मत उठाना। ओके, पावर की कोई नंबर बता दो, आपको क्या चाहिए पावर का नंबर? आपने ही पावर बोला था ना। हाँ नंबर बता दो, कोई नंबर बता दो। चलो 100 यूनिट, एनी आइडिया? अरे सही है वैट, उसको डब्ल्यू टी लिखते हैं क्या, तो डब्ल्यू भी लिखते हैं। चलो हम लोग डब्ल्यू टी लिखते हैं, वैट वेट का वैल्यू, वैल्यू मैं लिखता हूं, आप लोग बहुत कंफ्यूजिंग करते हो वेट। हाँ है केजी, इधर लिखोगे तो मास में क्या लिखोगे फिर? इट इज न्यूटन, मास में बता दो फिर। प्रेशर, बार क्या, स्पीड कितना किलोमीटर? ओ नेक्स्ट उसकी वैल्यू ले लेते हैं। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डेंसिटी डेंसिटी का यूनिट, इसलिए तुम लोग दया नहीं बोल रहे थे ना, यूनिट भारी पड़ेगा ना, जो पता है वही भगते रहने का ना। आगे बढ़ते हैं, आपको फिजिकल क्वांटिटी समझी, वैल्यूज आप कोई भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यूनिट समझा, टोटल कितने फिजिकल क्वांटिटीज है? 300 प्लस, सभी के यूनिट्स होंगे और ऑलमोस्ट सभी के यूनिट्स एक बार तो आपके कान में गिरेंगे, याद नहीं रखना रखना आपके प्रॉब्लम है, बट एटलीस्ट आपको 60-80 फिजिकल क्वांटिटीज विद यूनिट पता करना है। और यूनिट में भी ना थोड़े प्रॉब्लम्स है, वो हम लोग बाद में देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी फिलहाल एक चीज और देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को पूरे नाम से हम लिखते हैं जैसे टेम्परेचर फोर्स हाइट, बट जब हम हमारे न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तो हर बार उसको पूरे नाम से नहीं लिखेंगे, हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपल सिंबॉल से। तो हमें ये फिजिकल क्वांटिटीज के सिंबॉल यूज करने हैं। सिंबॉल में टेम्परेचर के लिए हम जो सिंबॉल यूज करते हैं वो होता है कैपिटल टी, फोर्स के लिए कैपिटल एफ, हाइट के लिए कैपिटल एच, पावर के लिए कैपिटल वी, वेट के लिए डब्ल्यू टी, प्रेशर के लिए कैपिटल पी, मास के लिए कैपिटल एम एज वेल एज स्मॉल एम, दोनों यूज करते हैं। स्पीड के लिए, हाँ इधर जो है वो चिपका रहे ना, ठीक है बाद में देखते हैं। स्पीड के लिए कैपिटल एस ना, इट इज वी। एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल ए, डेंसिटी के लिए डी, हाँ 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 किसने बोला? हाँ क्या है ये? रो, आर एच ओ, रो, ठीक है। जनरली ये सिंबॉल है ना, इसमें देखो एक दो सेम है, पर दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के लिए सेम सिंबॉल यूज कर रहे हैं, समझ पा रहे हो ना? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पर दोनों में सेम सिंबॉल है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कब पावर यूज करना है कब प्रेशर यूज करना है? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कि कौन सा कंटेंट चल रहा है, जिस कंटेंट में आपको लगता है कि स्मूथ चीजें है वहां पर एक फिजिकल क्वांटिटीज यूज हो रही है तो वहां पर पावर यूज होना गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, एक गैस को कंटेनर में आपने डाल दिया, मैंने आपको बोला कि गैस का आपको तीन चीजें मेजर करनी है, आप क्या मेजर करोगे गैस की? तीन चीजें कंटेनर में डाल के रखा है, आप तीन चीजें जाके मेजर करके आओ, क्या मेजर करोगे?
पहले तो उसका टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर कर सकोगे। दूसरी चीज प्रेशर, गैस उस कंटेनर में कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। और तीसरी चीज उसका ही फ्रेंड वॉल्यूम, कंटेनर में गैस का वॉल्यूम कितना है ना। तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये ऐसी क्वांटिटीज है जो गैस के तीन बेसिक फंडामेंटल चीजों को दिखाती है। गैस के बारे में स्टडी करना है तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर स्टडी करना चाहिए। बट पावर की बात आ जाएगी और अगर आप प्रेशर की जगह पे पावर मेजर करोगे तो गैस का कोई पावर नहीं होता, तो वहां पावर ढूंढने नहीं जा सकते, समझे कि नहीं। हाँ, गैस एनर्जी ढूंढ सकते हो, गैस मॉलिक्यूल जब ट्रैवल करते हैं तो उसकी कोई एनर्जी होती है, तो आप एनर्जी पे जा सकते हो। पावर इट इज डिफिकल्ट। तो आप क्या सीख रहे थे गैस के बारे में ना, तो गैस की स्टडी को हम बोलते हैं थर्मो डायनामिक्स। गैस की स्टडी को बोलते हैं थर्मो डायनामिक्स। तो थर्मो डायनामिक्स जब वर्ड आएगा ना, इसका मतलब आप रिलेटेड टू प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी, एंथाल्पी, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, मास, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी स्टडी कर रहे हो। बट अगर इसको शिफ्ट करके मैं आपको लेकर गया जहां पर किसी वायर में करंट जा रहा है, तो आप करंट के साथ साथ वायर की और क्या क्या चीजें चेक कर सकते हो। वायर का लेंथ, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर के अंदर जाने वाला करंट, वायर को लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस, वायर को करंट जा रहा है उसको अपोज करने वाला टर्म्स रेजिस्टेंस है ना। अगर रेजिस्टेंस है, आपने ये भी पढ़ लिया, तो वायर में कितने टाइम तक करंट जा रहा है, टाइम आ गया। करंट जो जा रहा है टाइम पे, तो वायर क्या कर रहा है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर रहा है, एनर्जी आ गई, एनर्जी अपॉन टाइम पावर आया, वहां पर प्रेशर वर्ड नहीं आएगा। तो आप ये सारे जो फिजिकल क्वांटिटी स्टडी कर रहे थे, करंट, डेंसिटी, सॉरी अपना पोटेंशियल डिफरेंसेस, यहां पर एनर्जी और ये मास, उसके रेजिस्टेंस के बारे में, यहां पर आप जो स्टडी कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो आपकी जिस कॉन्सेप्ट में आप स्टडी करते हो उसके अकॉर्डिंगली फिजिकल क्वांटिटीज यूज होती है। बट कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दोनों में यूज होती है, जैसे बात करेंगे वर्क, किधर है, इस साइड है वर्क। वर्क आपको दिखेगा मैकेनिकल्स में भी और वर्क आपको दिखेगा थर्मोडायनामिक्स में भी। तो दोनों जगह पे जब आप वर्क स्टडी कर रहे हो तो वर्क का सिंबल सेम है, डब्ल्यू। ठीक है, सिंबल सेम है, बट दोनों केस में वर्क का फॉर्मूला अलग अलग हो जाएगा। अब आप बोल रहे हो सिंबल सेम है तो अब क्या चेंज हुआ, फॉर्मूला। तो चीजें डिफिकल्ट क्यों हो रही है, क्योंकि एक बार फिजिकल क्वांटिटी समझ ली हमने, उसके सिंबल को हमने धीरे धीरे करके याद रखा, अब उसके फॉर्मूले को भी सीखना पड़ेगा आपको, समझ गए। तो अब आपकी जो कैटेगरी हो रही है वो थी कि आपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप उसके सिंबल को तो देख रहे हो, वैल्यूज को देख रहे हो, यूनिट को देख रहे हो। अब इसके अलावा एक और चीज उसमें ऐड हो जाएगी कि उसके फॉर्मूले के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और उसके हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्लियर यहां तक। आपने यहां पर 10 फिजिकल क्वांटिटीज लिखी है, मैं चाहता हूं 15 लिखना, 5 आपको जो ठीक लगे इसमें से उठानी है तो भी चलेगा, बट यूनिट मत लिखना क्योंकि हो सकता है आप गलत लिखोगे। तो आप क्या लिखो, ये 10 फिजिकल क्वांटिटीज लिखना कहीं साइड में, ऐसे ही 3 कैटेगरी करके, फिजिकल क्वांटिटीज, मैग्नीट्यूड और यूनिट, कैटेगरी करके 10 लिखो और 5 अपनी लिखो, वैल्यूज लिखो, मैं आपको यूनिट बताता हूं। ठीक है, चलो।
हो गए लिख के 15, 10 प्लस 5 सॉरी इसमें से देख के लिख रहे हो ना? नहीं ना, हाँ हो गए 15। इसके अलावा 5 और लिखे ना, आप लोगों के बाकी है, 14 हो गए। ओके सपना, ए सपना कितने आ गए? एक बाकी है। चलो 10 प्लस 5 कौन से लिखे आपने? एक मिनट, हाँ टाइम, नेक्स्ट हीट, ओके एरिया, हाँ हाँ ठीक है यहां से देखा, हाँ एरिया, डिस्टेंस, कैलोरी, ओके ठीक है कट कर दो उसको, कैलोरी को आपका, करंट, टाइम, वॉल्यूम, वॉल्यूम और ह्यूमिडिटी, ओके कट कर दो ह्यूमिडिटी को, हाँ और कौन सा? बस इतना ही ना आपका, वेदर, वेदर कट करो, ह्यूमिडिटी कट करो, टाइम, हाँ आगे 3 है आपके, एनर्जी जोड़ दूँ? ठीक है जोड़ दी, आगे ह्यूमिडिटी और एनर्जी, ह्यूमिडिटी कट कर दो, एनर्जी रहने दो, आगे हाँ एनर्जी वॉल्यूम रेजिस्टेंस और बस इतने ना, ह्यूमिडिटी हाँ कट कर दो, हाँ वॉल्यूम टाइम करंट, ओके दो और बाकी है, हाँ गुड 5 सही है, वॉल्यूम एरिया हिट, ओके 2-3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और पीछे, नेक्स्ट 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 अच्छा साउंड कट कर दो, एनर्जी लेंथ टाइम करंट, ओके एक बच्चा है, एनर्जी वेलोसिटी हीट डिस्टेंस लेंथ, ओके गुड, साउंड कट कर दो, हाँ आपके, हाँ ठीक है सब सही है, सब सही है, वैल्यूज लिखे अपने हिसाब से, अभी यूनिट पे आते हैं, ठीक है तो कौन सा आपने मुझे एक्स्ट्रा बताया जिसका यूनिट मुझे लिखना चाहिए, क्या था? रेड, ओके नंबर 11 डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए एस करके सिंबल होता है, वैल्यू आप कुछ भी लिखो यूनिट आ जाएगा मीटर, नेक्स्ट कौन सा था? नेक्स्ट किसी का वेलोसिटी था ना, वेलोसिटी की यूनिट आप सिंबल में लिखोगे वी, वैल्यू आप कुछ भी लिखो यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट वर्क, ओके वर्क का सिंबल है डब्ल्यू, उसका यूनिट है न्यूटन, हीट
हीट का वैल्यू आप कुछ भी लिखो, उसका यूनिट है कैलोरी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप सिंबल लिखोगे एस और उसका यूनिट लिखोगे मीटर, नंबर 16। करंट, करंट के लिए आप सिंबल यूज करोगे आई, करंट आई से सिंबल होता है। वैल्यू कुछ भी लिखो, यूनिट आएगा ए, कॉल्ड एज एम्पियर। सुना है ना वर्ड एम्पियर? हाँ, करंट का यूनिट है। गुड। फ्रीक्वेंसी 17। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए जनरली आप एफ यूज कर सकते हो, स्मॉल वाला एफ, कैपिटल नहीं, स्मॉल वाला एफ। आप एन यूज कर सकते हो, और एक और सिंबल है मैं बाद में बताऊंगा, उसकी यूनिट पे आप जाओगे ना फ्रीक्वेंसी, तो उसका यूनिट है एक साइंटिस्ट के नाम पे, हर्ट्ज, है ना। नेक्स्ट 18, रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस का सिंबल जनरली होता है आर। हीट का लिखा बेटा यहां पर, हीट है कैलोरी सिंबल। अच्छा, हीट के लिए एच ही यूज करते हैं, सॉरी, यूनिट आएगा कैलोरी। रेजिस्टेंस का सिंबल है कैपिटल आर, और उसका यूनिट है आपका फेमस, आप सबने सुना है, इट इज ओम, एनर्जी। नंबर 19 इज एनर्जी। एनर्जी के लिए ई यूज करते हैं, और उसका यूनिट है, सुना है आप लोगों ने, जूल। लिखना चाहिए मुझे? हाँ, टाइम। सिंबल है कैपिटल टी, यूनिट है सेकेंड। और किसी का नया था इसके अलावा? कुछ और नया था? सबका हो गया कवर। लेंथ, लेंथ के लिए भी बेटा मीटर आएगा, उसको भी सिंबल एस दिखाते, या तो कैपिटल एल लिखते हैं, एल चलेगा, स्मॉल एल चलेगा, क्या? वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए सिंबल आप कैपिटल वी यूज करोगे, और यूनिट आएगा मीटर क्यूब। एरिया के लिए कैपिटल ए सिंबल, और यूनिट है मीटर स्क्वायर। और किसी का कुछ बचा है? एनर्जी लिखा बेटा, एनर्जी का ये रहा, एनर्जी के लिए ई और यूनिट है जूल। हाँ, चार्ज के लिए आपका लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, 21 चार्ज। चार्ज के लिए सिंबल क्यू है, छोटा क्यू बड़ा क्यू दोनों चलता है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और उसका यूनिट है, क्या लिखेंगे उसका यूनिट? सी, बोले तो कूलम्ब। और कुछ बचा है? खत्म ना? चलो, थोड़ा काम बढ़ते जाएगा आपका, क्योंकि क्वांटिटी तो याद रखनी थी, फिजिकल क्वांटिटी, अब उसके सिंबल याद रखने हैं, उसके बाद अभी आएंगे उसके यूनिट्स जो आप अभी लिख रहे हो वो याद रखने हैं। अब मैं एक और चीज बढ़ा रहा हूं, आपको याद रखने हैं उसके फॉर्मूले। चीजें धीरे धीरे करके आगे जाएंगे, आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा चीजों को याद करने के लिए, पर ऐसा कोशिश करना कि आप एक दिन में एटलीस्ट 5 या 6 फिजिकल क्वांटिटीज को याद रख सको, सो दैट एक महीने के अंदर आपको 60-80 जो फिजिकल क्वांटिटीज रूटीन में चाहिए वो आपको याद हो जाए, विथ यूनिट्स विथ फॉर्मूलाज। ओके, सो अब तक हमने कितने देखे? 21। इन सबको साइड में हटाओ, आप है ना डबल पेज यूज करना, सब सिंगल पेज पे है। अच्छा, मुझे क्या चाहिए? चार चीजें चाहिए, एक ही पेज पे आ पाएगी, देख लेना, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन। अगर एक पेज को 4 टुकड़ों में बांट सकोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर डबल पेज यूज करोगे तो चल जाएगा। पॉसिबल है एक पेज पे 4? अच्छा, चिपका दिया मार्जिन में ही सारे फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ, इंडेक्स यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, जनरली पेज को फोल्ड करता हूं और उसको और एक बार फोल्ड करता हूं, सो दैट एक ही पेज 4 टुकड़ों में बढ़ गया, समझा कुछ? पेज को पूरा फोल्ड करने का, हाँ, और उसको एक और बार फोल्ड करने का, फोल्ड करके, हाँ गुड, इसको एक और बार फोल्ड करो, फिर पूरा पेज आप यूज कर पाओगे 4 पार्ट्स के लिए। हाँ, डिस्टिंग्विश रहेगा ना, तो पेज को आधा कर देने का, वो स्केल बिल ढूंढने बैठने का नहीं, इतना टाइम होता नहीं है। चलो, 4 हेडिंग डाल दो,
फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर्मूले, डायमेंशन, और जो भी लिख रहे हो एक छोड़ के एक लिखना। 18 है, खत्म हो गए, नेक्स्ट पेज पे फिर एक छोड़ के एक पेज एक लाइन लिखना। इन सबको मैं हटा देता हूं। Thank you.